कोरोना संकट के बीच हरियाणा के लिए एक राहत भरी खबर। झज्जर, बेरी और बादली कोरोना मुक्त हो गए हैं। इसी के साथ बहादुरगढ़ के 37 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। झज्जर जिले का रिकवरी रेट करीब 60% पर आ गया है, जो कि राहत भरी खबर है। दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री से बहादुरगढ़ में कोरोना फैला है, यानी कि लिंकअप्स जो हैं वो दिल्ली से हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे का तीसरा दौर अब शुरू कर दिया है। तीन दौर के हेल्थ सर्वे में लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच हरियाणा के लिए अच्छी खबर है और स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल भी की स्क्रीनिंग की जा रही है लोगों की ज्यादा से ज्यादा। झज्जर, बेरी और बादली कोरोना मुक्त हुए हैं। बहादुरगढ़ के 37 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है और झज्जर जिले का रिकवरी रेट करीब 60% तक पहुंच गया है। झज्जर जिले का रिकवरी रेट 60% तक। दिल्ली की ट्रेवल हिस्ट्री से बहादुरगढ़ में कोरोना फैला है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे का तीसरा दौर अब शुरू किया है। इससे पहले तीन दौर के हेल्थ सर्वे में लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच हरियाणा के लिए ये बेहद अच्छी खबर, क्योंकि जिस तरह से हम एक एक दिन आगे पार करते जा रहे हैं, हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में ये वाकई ही राहत देने वाली खबर है। और जिले में रिकवरी रेट अब 60% हो गया झज्जर जिले में, लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि कोरोना मुक्त भी हुआ है कई गांव, कोरोना मुक्त भी हुए हैं। तीन दौर के हेल्थ सर्वे में लाखों लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। प्रवीण धनखड़ बहादुरगढ़ से ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण धनखड़, ये एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट भी अब 60% हो गया है, तो ऐसे में आशा की जाए कि झज्जर से भी जल्द ही अच्छी खबर आएगी। जी बिल्कुल, बहादुरगढ़ का रिकवरी रेट, पूरे झज्जर का रिकवरी रेट है वो 60% हो गया और 10 लोगों के ठीक होकर रुकने के बाद ये रिकवरी रेट 70% से भी ज्यादा हो जाएगा। इसमें अब तक जो आंकड़े हमारे पास है, 37 के करीब लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और आज 10 लोगों को लौटने के बाद सिर्फ 27 लोग एक्टिव जो कोरोना संक्रमण के रह जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा है, गाँव गाँव शहर शहर जाके घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा है। अब तक 3-3.5 लाख के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जी, किस आधार पर ये स्क्रीनिंग की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल हेल्थ टीमें बनाई है, 25 मोबाइल टीम हेल्थ टीमें बनाई है जो गांव गांव जाकर लगातार स्क्रीन कर रही। पहले राउंड में 1,97,000, दूसरे राउंड में 1,91,000 और तीसरे राउंड में भी 1,00,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो सैंपल में मोबाइल सैंपल वैन 2 बनाई गई है जो कंटेनमेंट जोन में लगातार जाकर लोगों की सैंपलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो सीधे सीधे ILI जिस तरह इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन को जांच के लिए भी टीमें लगाई गई हैं, जो 91,000 से ज्यादा लोगों की जांच वो भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए प्रवीण।